ओके सो चलिए गाइस, इसको हम बाय करेंगे। सो जैसे यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, सो देख सकते हो जो भी हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूट भी हो गया है। गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि जो भी चार्ट रहता है सो उसमें हम किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन हो गया आपका, पुट ऑप्शन हो गया, उसको हमें कैसे सर्च करना है। सो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस में एकदम लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ वो भी चार्ट पे। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप जैसे आपको ओपन करोगे सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पे मैं हाल फिलहाल के लिए जो सेंसेक्स है इसका यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, डायरेक्ट इंडेक्स का चार्ट ओपन करूंगा एंड यहाँ पे हम चलेंगे सीधा चार्ट पे। गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चार्ट है सेंसेक्स का आ गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेंसेक्स है पूरी तरह से यहाँ पे गिर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है। सो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे हम एक कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। सो गाइस इसीलिए यहाँ पे हम दोनों कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को बाय करके रखेंगे, यानी सर्च करके रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इजीली फिर उसको बाय सेल कर सकते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड करने के लिए कहना क्या है कि जो भी प्लस का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक सबसे पहले कॉल ऑप्शन को सर्च कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे पुट ऑप्शन को भी सर्च कर सकते हो। सो चलिए यहाँ पे मैं 63,800 का एक कॉल ऑप्शन को सर्च कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे 63,800 का यहाँ पे आपको गोल्ड का भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देखने को मिलेगा। वैसे मुझे यहाँ पे सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन ऐड करना है, सो देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। सो इस पर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सो आपके सामने यहाँ पे फिर कॉल ऑप्शन का चार्ट आ जाएगा दूसरे टैब में। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड टैब अभी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, ऊपर यहाँ पे आपको बॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। अभी गाइस यहाँ पे मुझे कहना क्या है कि एक पुट ऑप्शन को भी सर्च करना है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, जो भी तीसरा वाला प्लस का आइकन है इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे अभी मैं एक पुट ऑप्शन को सर्च कर लेता हूँ। सो जो भी 63,800 का पुट ऑप्शन रहेगा उसी को यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, आपके सामने सभी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आ जाएगा। सो फिर से यहाँ पे हम जो भी पुट ऑप्शन है इसको हम ऐड करेंगे, सो इस पर हम क्लिक करेंगे। सो गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे जो भी पुट ऑप्शन है अभी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ऊपर जा रहा है। सो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको बाय कर सकते हैं एंड बाय करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर ही बाय सेल का बटन देखने को मिल जाता है एंड बाकी गाइस यहाँ पे आपको नीचे भी बाय सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी गाइस मुझे इसको बाय करना है सो इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है विंडो मार्केट का, लिमिट का, यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने को मिलते हैं ऊपर एंड बाकी इस अगर आपको मार्केट पे बाय करना है इसको फिर यहाँ पे आप मार्केट रहने दे सकते हो एंड यहाँ पे आपको यूनिट देखने को मिलेगा जो कि गाइस इसका एक लॉट में रहता है 10 क्वांटिटी। सो यहाँ पे अगर आपको 2 लॉट करना है या फिर 10 लॉट करना है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी क्वांटिटी रहता है यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो एंड बाकी इस बाय करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको एक बार बाय पे क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे सो इमीडिएटली ये पुट ऑप्शन बाय हो जाएगा। ओके सो चलिए गाइस इसको हम बाय करेंगे। सो जैसे यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ सो देख सकते हो जो भी हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूट भी हो गया है एंड करेंटली यहाँ पे आपको कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सो फुल डिटेल्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड बाकी इस आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। जैसे गाइस मुझे इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्क्रीन पे क्लिक करके रखूँगा। गाइस आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो भी ब्लैक कलर का सिंबल है प्लस का आइकन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी स्टॉप लॉस लगाने के लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड जो भी लिमिट प्राइस एंड स्टॉप प्राइस आ रहा है सो आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस में थोड़ा सा कम कर देना है। सो गाइस यहाँ पे हम 19.80 पैसा कर देते हैं, बाकी ऊपर रह गया यहाँ पे देख सकते हो ऊपर है 19.90 पैसा एंड बाकी गाइस अभी यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे। सो जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे सो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस लग गया है सक्सेसफुली और बाकी जो भी स्टॉप लॉस रहता है इसको अगर आपको ट्रेल करके ऊपर रखना है सो आप ऊपर भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा प्रॉफिट अभी यहाँ पे 100 रुपये के ऊपर पहुँच गया है। सो चलिए गाइस जो भी हमारे स्टॉप लॉस है इसको हम कैंसिल करेंगे, सबसे पहले एस पे क्लिक करेंगे एंड गाइस अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी पोजीशन इसको हम क्लोज करने की प्लानिंग करेंगे या फिर आप चाहो तो यहाँ पे टारगेट लगा के भी इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इस लेवल का टारगेट लगाना है सो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको जो भी लिमिट वाला ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है
एंड उसके यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेल पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपका टारगेट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, देख सकते हो। अभी गाइस जैसे इस लेवल पे प्राइस पहुँचेगा सो यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा हिट हो जाएगा सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी गाइस अगर आपको खुद से जो भी पोजिशन इसको क्लोज करना है सो सबसे पहले आपको जो भी स्टॉप लॉस रहता है आपका टारगेट रहता है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप खुद से जो भी पोजिशन रहता है इसको आप क्लोज कर पाओगे। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, एंड जो भी हमारा प्रॉफिट था 100 रुपये के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर से अभी यहाँ पे देख सकते हो कम होना स्टार्ट हो गया है। एंड बाकी इस आप चाहते हैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को देखना है तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन को भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड में कॉल ऑप्शन को सर्च किया था। अभी गाइस यहाँ पे मैंने जैसे कॉल ऑप्शन को सर्च किया सो उसका यहाँ पे चार्ट आ गया, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कॉल ऑप्शन है देखने को मिल रहा है। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप दोनों में सेम तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, फिर चाहे आपका कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो, मुझे आपको दिखाना था कि यहाँ पे आप कैसे उसको ऐड करोगे एंड कैसे उसको बाय सेल करोगे। सो देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारा जो लॉस है आना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस अभी यहाँ पे हमारा जो टारगेट है हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पे आपको कैंसिल करने के लिए जो भी क्रॉस का सिंबल रहता है उस पर आपको क्लिक करना है, एस पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो टारगेट है कैंसिल हो गया है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा पोजीशन लॉस में जाने लगता है सो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, अगर प्रॉफिट आने लगता है सो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे एंड प्रॉफिट में हम जो भी पोजीशन है इसको क्लोज कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक और ऐसा फैसिलिटी मिल जाता है कि जो भी 3 लेआउट है इस पर आप क्लिक करके 3 लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप तीनों का एक साथ में चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैं जो भी तीसरा वाला ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक साइड में यहाँ पे हमारा इंडेक्स का रहेगा, बाकी 2 साइड में यहाँ पे हमारा सेंसेक्स एंड कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का रहेगा। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे तीनों साइड में यहाँ पे हमारा जो चार्ट है आ रहा है, बट गाइस यहाँ पे मुझे कहना क्या है कि इस साइड में मुझे सेंसेक्स का चार्ट लाना है। सो गाइस अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करूँगा जो भी लेआउट में आपको जिसको भी रखना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसेक्स का आ गया है। एंड गाइस ऊपर वाले में यहाँ पे मुझे कॉल ऑप्शन को कहना है, सो इसको अभी मैं सिलेक्ट करूँगा एंड अभी यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। सो देख सकते हो अभी यहाँ पे फिर से कॉल ऑप्शन आ गया है, और बाकी के जो पुट ऑप्शन है सो इसका तो यहाँ पे चालू यहाँ पे आप देख सकते हो, बट गाइस अगर आप छोटा कर दोगे सो यहाँ पे आपको फिर प्रॉफिट और लॉस देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे हम फिर से 1 लेआउट कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से यहाँ पे देख पाएँ अपना जो भी पोजीशन है उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। सो फिर से यहाँ पे हम पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा पोजीशन था फिर से यहाँ पे भी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं फिर से अभी 100 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा सो जो भी पोजीशन इसको हम इमिडिएटली क्लोज कर देंगे। और बाकी गाइस यहाँ पे भी आपको पोजीशन वगैरह देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे पोजीशन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। एंड बाकी गाइस आप चाहते हैं यहाँ से भी जो भी आपका पोजीशन इसको आप एग्जिट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल रहता है। ओके गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा पोजीशन है फुल यहाँ पे लॉस में आ गया है, सो देख सकते हो। सो चलिए जो भी पोजीशन इसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए जो भी क्रॉस वाला सिंबल है इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली जो भी क्लोज पोजीशन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। सो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सो जो भी आपका पोजीशन रहेगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, देख सकते हो जो भी हमारा पोजीशन है क्लोज हो गया है, यहाँ पे आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पे मैं आपको कॉल ऑप्शन को भी बाय करके दिखा देता हूँ। सो चलिए यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पर भी आप क्लिक करके बाय कर सकते हो एंड आप चाहो तो यहाँ पे नीचे भी क्लिक करके बाय कर सकते हो। सो चलिए यहाँ पे हमें चार्ट भी बाय करना है, सो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लॉट देख लेना है कि कितना लॉट आपको बाय करना है, सो यहाँ पे मैं 1 ही रहने दूंगा एंड बाकी इस बाय करने के लिए जस्ट यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे। सो जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे सो आपका जो भी कॉल ऑप्शन रहेगा बाय हो जाएगा सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको चार्ट पे देखने को मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे आया नहीं चार्ट पे, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ओके गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारा कॉल ऑप्शन का पोजीशन है सो यहाँ पे आ गया है, बट थोड़ा सा लेग हो रहा है, हैंग हो रहा है। जो धन ऐप था इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, कुछ भी नहीं चल रहा था। सो यहाँ पे मैंने फिर रिफ्रेश किया, सो अभी जाके यहाँ पे मुझे लॉस वगैरह देखने को स्टार्ट मिल गया है। सो देख सकते हो अभी यहाँ पे मेरा जो कॉल ऑप्शन था सो इसमें भी लॉस होना स्टार्ट हो गया है। एंड बाकी इस मार्केट जब अपोजिट जाता है सो आपको लॉस होता ही है, फिर वो चाहे कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस बहुत भयंकर तरीके से हो रहा है, जबकि हमारे पास सिर्फ 1 ही लॉट है। अगर आप सोच सकते हो 10 लॉट होता है यहाँ पे हमारे पास सो यहाँ पे मैं फिर ज़्यादा भी लॉस हो सकता था। तो जो भी पोजिशन इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे पूरा रिवर्स हो गया है। सो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो लॉस है बहुत ज़्यादा भी पहुँच गया था, 150 रुपये के ऊपर भी पहुँच गया था। अभी यहाँ पे मैंने पोजिशन को क्लोज कर दिया है। सो गाइस अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें फाइनल कितना लॉस बुक हुआ है। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा थोड़ा सा।
ओके सो अभी यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा कॉल ऑप्शन का पोजीशन था इसमें लॉस बुक हुआ है 167 रुपीज़, पुट ऑप्शन था इसमें बुक हुआ है 66 रुपीज़, बाकी गाइस एक और कॉल ऑप्शन बाय किया था उसमें मुझे 92 रुपीज़ का लॉस बुक हो गया था। सो गाइस ऐसे यहाँ पे हमारा जो पोजीशन था आज का कंप्लीट हो गया है। सो गाइस यहाँ पे आपने फुल डिटेल्स में देख लिया होगी कि आप चार्ट पे किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड बाकी गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, सो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।